हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू करा था, उसकी 3.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो 5th क्वेश्चन के बाद एक कॉन्सेप्ट लगेगा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स जब ही इक्वल हो सकती हैं जब दोनों का एक तो ऑर्डर सेम हो और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम ही आए। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 2 3 5 4, तो यहाँ पे भी मेरे को 2 3 5 4 ही लिखना पड़ेगा, जब ही दो मैट्रिक्स सेम हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। अगर मैं इसे देखूँ, सेम सेम सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसे, 2 3 5 यहाँ दे देगा एक्स वाई जेड, और पूछेगा आपसे वाई और जेड की वैल्यू बताओ। तो वाई और जेड की वैल्यू निकालनी कितनी ईजी है। वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2। गलती बच्चे करते हैं, वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 लिख देते हैं, लेकिन वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या? 2। तो वाई इज इक्वल टू 2, जेड का क्या है? 3, जेड इज इक्वल टू 3, एक्स का क्या है? 4, एक्स की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो ये था इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम देखेंगे जो हमारा 6th क्वेश्चन बचा हुआ था, 6 7 8 9, आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही करना है। अभी देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो वो कहता है 4 3 x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 और 5, और पूछा है दोस्तों एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हैं इजीली। एक्स की वैल्यू, एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या दिखा? 1, तो एक्स की वैल्यू 1। वाई का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिखा? 4, तो y की वैल्यू 4। जेड का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या दिखा? 3, तो z की वैल्यू 3। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आपके लिए है, मैं थर्ड करा रहा हूँ सीधा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल में क्या है? 9 5 और 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल में आप क्या देख पा रहे हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल में है 9। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल में है 9। एक्स प्लस जेड के इक्वल में है 5। वाई प्लस जेड के इक्वल में है 7। तो यहाँ से वाई प्लस जेड के इक्वल में क्या है? 7। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ उठा के पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आई? 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो जेड की कितनी आएगी? 3। जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो y की कितनी आएगी? 4। तो इतना था हमारा 6th क्वेश्चन। अभी अगर मैं 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो इसे रफ कर देता है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और जिसमें भी प्रॉब्लम आए आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल है -1 5 0 और 13। इसके इक्वल है, और पूछा है ए बी सी और डी सबकी वैल्यू बतानी है। तो ए माइनस बी के इक्वल में क्या आया? -1। 2a माइनस बी के इक्वल में क्या आया? 0। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? बी। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी? -1 प्लस बी। -1 प्लस बी उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, -1 प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो -2 प्लस 2b इज इक्वल टू बी। तो -2 इज इक्वल टू b माइनस 2b, b-2b इज -b, -b माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई? 2। b की वैल्यू 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो a की आ जाएगी, a की क्या आई? 1। अब रह गए c और d। तो देखो 2a प्लस c के इक्वल में क्या है? 5। 3c प्लस डी के इक्वल में क्या है? यह अलग इक्वेशन है। 3c प्लस डी के इक्वल में क्या है? 13।
तो 2a ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो 2a, a की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 1, प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी की वैल्यू 13 में से 9 गए 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 7 जो कि हमने बड़ी इजीली कर लिया, और ये भी क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का ही था। तो अब 8th, 9th और 10th देखते हैं। 8th और 9th और 10th बेसिकली एमसीक्यू हैं, तो हम उन्हें बहुत जल्दी से देखेंगे। 8th देखो, 8th क्वेश्चन कहता है ये कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, पहला ऑप्शन एम लेस देन एन, सेकंड एम ग्रेटर देन एन, थर्ड एम इज इक्वल टू एन और डी नन ऑफ दीज। और कह रखा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है स्क्वायर। तो अगर आपने हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था, दो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था जितनी वैल्यू ऑफ रोज होंगी उतनी वैल्यू ऑफ कॉलम होंगी, मतलब जितना एम होगा उतना ही एन होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट एम इज इक्वल टू एन, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है जितने एम उतना ही एन, तो एम इज इक्वल टू एन। अगर मैं नाइन्थ की बात करूं, नाइन्थ क्वेश्चन फिर से इक्वलिटी पर बेस्ड है, नाइन्थ क्वेश्चन फिर से इक्वलिटी पर बेस्ड है। क्या कहता है, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x किसके इक्वल है 0, y माइनस 2 8 और 4। अब जरा इसकी वैल्यू निकालो 3x प्लस 7 की, x की वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 7 की वैल्यू निकाली 0, x की वैल्यू क्या आई माइनस 7 बाय 3। यहां से 2 माइनस 3x इज इक्वल टू किसके इक्वल है 4, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई माइनस 2 बाय 3। अब देखो यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस के 2 बाय 3, यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस के 7 बाय 3। अगर मैं इन्हें और सॉल्व करूं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 में से 1 के 7, तो 7। अब जरा एक ही क्वेश्चन में क्या x की दो वैल्यू हो सकती है, नहीं, एक क्वेश्चन में x की एक ही वैल्यू रहेगी। तो अगर ये x की दो वैल्यू शो कर रहा है तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब जरा एक बारी टेंथ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो टेंथ क्वेश्चन है हमारा उसमें एक नया ही फॉर्मूला लगा है जो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा था। जो टेंथ क्वेश्चन है वो कहता है एक मैट्रिक्स है पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो 3 इंटू 3 है और एंट्री दे रखी है 0 1। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्म पूछा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होंगी, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्रीज, जितनी एंट्रीज हैं उसकी पावर एलिमेंट। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखना चाहूं तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है एंट्री की पावर एलिमेंट। एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी बता रखा आपको, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर का जो रिजल्ट आता है उससे निकलता है एलिमेंट। अगर ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो 3 इंटू 3 का रिजल्ट आएगा 9, तो एलिमेंट्स कितने होंगे 9। अब एंट्री, एंट्री कितनी थी, एंट्री थी हमारे पास 0 और 1, तो एंट्री कितनी होगी, नंबर ऑफ एंट्री 2, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 इज 512, और 512 हम कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो टेंथ का डी हो गया। तो 3.1 आज हमारी फिनिश हो चुकी है, अभी हम अगली वीडियो में 3.2 देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन की बात करूं, मैथ्स में जो ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम देखेंगे उसमें मैट्रिक्स में क्या क्या पॉसिबल है, एडिशन हो सकता है क्या, सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, या डिवीजन पॉसिबल है, और है तो कैसे पॉसिबल है, क्या ऑर्डर, ऑर्डर में कुछ डिफरेंस आता है या नहीं, ये सब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। और 3.2 सारी की सारी हमारी ऑपरेशन पे ही बेस्ड है, तो हम उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।